दोस्तों, अब से 2 साल पहले कोविड के टाइम पर बॉलीवुड की सब मूवीज को ओटीटी पर ही रिलीज किया जाता था, जिसकी वजह से एक बड़ी ऑडियंस ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो गई। और दोस्तों, यही वजह है कि बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज सिनेमा में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाती, इसलिए मेकर्स बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज डायरेक्ट ओटीटी पर ही रिलीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक और अपकमिंग मूवी के बारे में बात करने वाला हूं जो डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, मिसेज अंडरकवर एक अपकमिंग एक्शन कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जिसमें राधिका आप्टे लीड रोल में नजर आएंगी। दोस्तों, इस मूवी की अनाउंसमेंट 2 साल पहले की गई थी और 2 साल से इस मूवी की शूटिंग पर काम किया जा रहा है। और लास्ट मंथ मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये मूवी ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। और उसके बाद एक और अपडेट सामने आई जिससे पता चला कि अप्रैल के मंथ में इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में ये मूवी रिलीज होने जा रही है। राधिका आप्टे इस मूवी के लीड रोल में नजर आएंगी और इन्हें एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करते हुए देखा जाएगा जो एक अंडरकवर एजेंट है। इनके अलावा पोस्टर्स में 2 और सुपरस्टार्स की फर्स्ट लुक देखने को मिली है। सुमित व्यास और राजेश शर्मा भी इस मूवी में इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए नजर आएंगे। दोस्तों, फैंस के लिए राधिका आप्टे को एक्शन करते हुए देखने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप सब जानना चाहते होंगे कि ये मूवी अप्रैल में कब रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा तो मेकर्स की तरफ से इस मूवी का एक और न्यू पोस्टर आउट कर दिया जाएगा और साथ ही में इस मूवी की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर मैं इस मूवी की रिलीज डेट की प्रेडिक्शन करूं तो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के सेकंड वीक में इस मूवी को आप Z5 पर देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों Z5 ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये मूवी अप्रैल में ही Z5 पर रिलीज की जाएगी। तो होपफुली अप्रैल में मिसेज अंडरकवर को आप Z5 पर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस फर्स्ट लुक पोस्टर्स ने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है और राधिका आप्टे की ये फर्स्ट लुक भी काफी ज्यादा कमाल की है। वेल, क्या होने वाला है इस मूवी में, ये तो इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ही हम जान पाएंगे। और इस मूवी का ट्रेलर एक्सपेक्टेड है कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आउट कर दिया जाएगा। वेल, जैसे ही मेकर्स की तरफ से इस मूवी से जुड़ी कोई भी न्यू अपडेट आउट की जाएगी तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।